हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज चैप्टर फाइव का इंट्रोडक्शन हम रीड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाई मीटर ऑब्जर्वेशन। कोई भी हमारे पास लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसको अगर हम मीटर ऑब्जर्वेशन से मीटर से उसको कंपेयर करेंगे, या फिर बोल देंगे सिंपल लैंग्वेज में, उसको मीटर से उसकी लेंथ को नापेंगे कि क्या है इसकी लेंथ, तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या उसमें गलत हो सकता है। कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स है, जब हम उनको कंपेयर करेंगे सिंपली ऑब्जर्वेशन से, ये मीन्स ऑब्जर्व करेंगे हम कि कितना है ये हमारे पास, छोटी या बड़ी है, मे नॉट बी एक्यूरेट, तो वो हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता कि हमारे पास कितनी लेंथ की, दोनों जो हमारे पास लाइन सेगमेंट दिए दोनों की लेंथ क्या है, ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता। सो वी यूज डिवाइडर टू कंपेयर द लेंथ, इसलिए हम दोनों की लेंथ को कंपेयर करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, डिवाइडर का। डिवाइडर क्या होता है, जो आपके पास कंपास बोलते हो वही हमारे पास क्या होता है, डिवाइडर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ को कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डिवाइडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर। Why is it better? कि ये इससे ज़्यादा better क्यों है to use, उपयोग करना एक divider का देन ए ruler, एक ruler की बजाय एक divider का use करना क्यों better है। While measuring the length of a line segment, जब हम किन्हीं भी दो line segments को measure कर रहे हैं या उनको नाप रहे हैं, इट इज़ बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर देन ए रोलर। इट इज़ बेटर, हमारे लिए बेटर है टू यूज़ करना एक डिवाइडर को यूज़ करना एक बहुत ही बेटर वे है हमारे पास देन ए रोलर, एक रोलर की बजाय। बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रोलर मे क्यूज डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग ऑफ हर लेंथ। जो हमारे पास रूलर है उसकी जो थिकनेस है वो ऑफ द रूलर मे क्यूज डिफ़िकल्टीज, वो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज पैदा करती है इन रीडिंग ऑफ हर लेंथ, उसकी लेंथ को नापने के लिए, उसकी लेंथ को पढ़ने के लिए। जैसे हम ऐसे कम रखते हैं रूलर तो ये देखते, तो उसकी जो हमारे पास ऐसे है जो डिस्टेंस, उसको हम कंप्लीटली अच्छे से, जो उसकी थिकनेस है उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। हाउएवर डिवाइडर गिव्स अप एक्यूरेट मेजरमेंट, जबकि डिवाइडर है वो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट बताते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट सी ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, हमने कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन, और एक हमने पॉइंट ले लिया सी जो कहाँ लाई करता है, ए बी के बीच में लाई करता है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। अब तीनों की लाइन को जो हमारे पास डिस्टेंस जो लेंथ है वो मेजर करेंगे। सबसे पहले हम ए बी की लेंथ लेंगे, ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर ले रखा है मैंने, और ए सी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, और बी सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। फिर हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब देखो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या 11 सेंटीमीटर, ए सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है। हमें प्रूव क्या करना है, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी प्लस बी सी, ए सी कितना है 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, और 11 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास ए बी, यही हमें प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई भी तीन पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी 5 दे रखा है, बी सी 3 दे रखा है, और ए सी 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। तो इनमें से ये पूछ रहा है विच वन, कौन सा एक
ऑफ देम लाइज, इनके बीच में लाई करता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि इन दो के बीच में लाई करता है। ए सी इज द लॉन्गर लाइन सेगमेंट, ए सी हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये तो हमारा बीच में लाई कर ही नहीं सकता क्योंकि ये 5 और 3, अगर ये ड्रॉ करेंगे तो 5 की होगी, ये ड्रॉ करेंगे 3 की होगी, तो ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी एक लॉन्गर लाइन सेगमेंट है। देन जो हमारे पास ए सी अगर लाइन सेगमेंट लॉन्गर है तो बी उसके बीच में लाई करेगा, बी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। ए सी हमारे पास ऐसे पॉइंट ले लेंगे, ए और सी कितना है 8 सेंटीमीटर है टोटल हमारे पास। अब इन्होंने दे रखा है ए बी 5 सेंटीमीटर, ए से हमने मान लिया बी ये कितना है 5 सेंटीमीटर और बी से सी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो कौन बीच में लाई करता है, बी बीच में लाई करते हैं, यही हमें बताना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेर D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, हमें वेरीफाई करना है कि जो D है, आपको D दिया हुआ है, वो क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ए जी का मिड पॉइंट है। अब देखो A से D की डिस्टेंस क्या है, ए डी इज इक्वल टू कितना है 3 यूनिट, 1, 2, 3, कितनी यूनिट है 3 यूनिट, और D से G कितनी यूनिट है 1, 2, 3, ये भी कितना है 3 यूनिट, दोनों 3 3 यूनिट है, तो इसलिए क्या बोल देंगे ए डी है वो किसके इक्वल है, डी जी के इक्वल है, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, D is the midpoint of AZ. Next question number 6. If B is the midpoint of a line AC and C is the midpoint of a BD, where ABCD lie on a straight line, say that YAB equal to CD. ये बोल रखा आपको कि क्या ए बी वो सी डी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में दिया बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी हमारे पास मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, तो इट मीन्स ए बी और बी सी इक्वल होगा, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए से बी की डिस्टेंस है और बी से सी की डिस्टेंस दोनों इक्वल आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो सी से बी की और बी से सी से डी की भी डिस्टेंस इक्वल होगी, तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ए बी इज इक्वल टू है बी सी के और बी सी इज इक्वल टू है सी डी के, इट मीन्स हमारे पास तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब तीनों इक्वल हो गए, तो ए बी इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल हो गए, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो क्या बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू सी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, हमें कोई भी 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे और मेजर देयर साइड, उनकी साइड्स को मेजर करेंगे, चेक इन ईच केस ऑफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द 3rd साइड, तो आपको क्या बोल रखा है कि आपको कैसा केस बनाना है, हर एक केस के अंदर ऑफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स की नी भी 2 साइड्स के लेंथ का सम इज ऑलवेज लेस देन द 3rd साइड, उससे जो 3rd साइड है वो हमेशा क्या होगी छोटी, यस सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 3rd साइड, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास कंडीशन हमने 7th क्लास में पढ़ेंगे और भी इससे डीपली, लेकिन अभी हमें इसके बारे में सिर्फ यही बताया गया है कि कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अगर 2 साइड्स का हम सम करेंगे तो वो 3rd साइड से बड़ा आएगा, अगर वो बड़ा नहीं आता तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास फर्स्ट हमने ट्रायंगल बनाई, तीनों साइड इक्वल लेके चल पड़े हम, 3.2 3.2 3.2, किन्हीं भी 2 साइड को प्लस कर लो, 3.2 3.2 क्या आ जाएगा 6.4 आ जाएगा, तो वो बड़ा है इससे, तो फर्स्ट हो गई हमारे पास। सेकंड हमने ये बना रखी है 5 5 8, इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10, 8 से बड़ा आ गया, इन दोनों को ले लेंगे 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा 13, ये भी इससे बड़ा हो गया, और अगर हम इन दोनों को लेंगे 8 प्लस 5 13, ये भी इससे बड़ा है, तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। थर्ड ले लिया हमने, ये 15 है, ये 8 है, ये 17 है, ठीक है। अब हम इसको प्लस करेंगे, देखो 15 प्लस 8 कितना आ जाएगा 23 बड़ा आ जाएगा 17 से, उसके बाद फिर ये 2 साइड ली हमने 15 प्लस 17 करेंगे तो क्या आएगा 32 बड़ा 8 से, फिर इन दोनों कर लेंगे 17 प्लस 8 कितना आ जाएगा 25 बड़ा है 15 से, तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास 10
10, और इसको आप कितना भी ले सकते हो, 10 का स्क्वायर 10, इसको हमने ले लिया, मान लिया 10√10 या 12 ले लो आप, इसको हमने क्या ले लिया, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्या है, 10, इन दोनों को प्लस करेंगे, 10 + 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, 22, 22 बड़ा है इससे, इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी 22, इससे बड़ा आ गया, 10, 10 क्या आ जाएगा, 20, 20 बड़ा है 12 से, यहाँ भी सेटिस्फाई होगी। और लास्ट हमारे पास क्या है, 9, 10 और 15, 9 + 10 कितना आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर थर्ड साइड से बड़ा आ गया, ठीक है। अब इन दो को लेंगे, 10 + 15 क्या आएगा, 25, 25 बड़ा है 9 से, उसके बाद इन दो को लेंगे, 15 + 9 क्या आएगा, 24, 24 बड़ा है 10 से। तो हमारे पास, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे ट्रायंगल्स बनानी थी कि दो साइड का अगर हम सम करें तो वो थर्ड साइड से बड़ा आए, ऐसे कोई भी 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी थी और मेजर करके दिखानी थी आपको नंबर्स में। ये हमने इनको मेजर करके दिखाया, और ये ट्रायंगल्स हम इनकी मेजरमेंट है ऐसे लेंगे कि दो साइड्स का अगर सम करेंगे तो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आएगा।